नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूँ रोहित खेरा। दोस्तों, काफी बच्चों के मन में डाउट है कि पीएससी प्री का सर 2022 का विज्ञापन कब आएगा, क्योंकि अब तो 21 का रिजल्ट भी आ गया है ना, 2019 वाले का भी आ गया है, 20 का भी इस बार मेंस का आ ही जाएगा जल्दी ही। तो पीएससी प्री कब होगा 2022 का और इसका विज्ञापन कब होगा? तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर के एंड तक पीएससी का कहना है कि वो विज्ञापन दे देगा। जी हाँ, ये पीएससी का कहना है कि वो 2022 वाला प्री का विज्ञापन दिसंबर तक दे देगा। एग्जाम हो सकता है आपका जनवरी में हो, फरवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन विज्ञापन उसका कहना है कि दिसंबर एंड तक मिलने वाला है आप लोगों को। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या कहा है आर्टिकल में, डिटेल में। इसके साथ साथ दोस्तों, दिवाली ऑफर में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑल एग्जाम प्लेस के सभी कोर्सेज पे 80% ऑफ। जी हाँ, इतना बढ़िया ऑफर, इससे बड़ा ऑफर आज तक कभी नहीं मिला। एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मेंस के लिए लग जाए, केवल और केवल 3599 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। जी हाँ, 2 ईयर की वैलिडिटी कोर्स में रहेगी, कंप्लीट कोर्स ये आपको मिलेगा। इसके अलावा आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का कोर्स है 5599 रुपए का। जी हाँ, 2 साल की वैलिडिटी के साथ इंग्लिश मीडियम बैच रहेगा, ये इंग्लिश मीडियम बैच रहेगा ये वाला। इसके अलावा अगर आप पीवी व्यापम तैयारी कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन बैच मात्र और मात्र 799 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपका हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, ये सब आपका पूरा का पूरा एक ही बैच में कवर होने वाला है। तो आप ये जरूर ज्वाइन कीजिए, ऑफर दिवाली तक वैलिड है, 31 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। तो आप जाएं और जल्दी परचेस करें। बात करते हैं आपके पीएससी 2022 के प्री की। तो कुल मिला के आप यहाँ पर आर्टिकल में देखेंगे कि 2022 का प्री का विज्ञापन दिसंबर अंत तक, तो इसमें कहा गया है कि पीएससी ने साफ किया गया है कि पीएससी प्री 2022 का विज्ञापन दिसंबर अंत तक जारी होगा। पीएससी की तैयारी अगले साल 30 जून तक 19, 20 और 21 की नियुक्ति की है, मतलब 30 जून तक ये क्या करेगा, सभी की नियुक्ति देने के वो कर रहा है। कुल मिला के 1120 पद है ना, और 2022 की परीक्षा के पदों की संख्या विज्ञापन के साथ जारी होगी, वो आपको बताया जाएगा, है ना। इसके अलावा आप सभी को पता है कि प्री का कल रिजल्ट आया है, जिसमें 87% इस सूची में है और 13% जो है आपकी ओबीसी और यूआर का जो फैसला होगा उस पर डिपेंड करता है ना। और साथ में आपका वन सेवा परीक्षा का भी रिजल्ट साथ में ही दे रखा है ना। तो ये चीजें आपको पता है। सिविल सर्विस के लिए 6509 ए सूची में है, और जबकि प्रोविजनल सूची में 4,000 लोग हैं, कुल 10,500 लोगों का चयन हुआ है। और यहाँ पर मैं बात करूँ वन सेवा परीक्षा की, फॉरेस्ट सर्विस की, तो इसमें लगभग 1200 लोगों का चयन हुआ है ना। और कट ऑफ भी आप सभी को पता है, मैंने वीडियो बनाया ही है, कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गया है, 154 गया है कट ऑफ आपका जनरल का, एससी का 142 गया, एसटी का 132 गया, ओबीसी का 148 है और ईडब्ल्यूएस का भी 148 ही गया है। कुल मिला के कट ऑफ काफी हाई रहा है। तो मेरे हिसाब से अब जिन बच्चों का 2021 वाले में नहीं हुआ है, 2021 में नहीं हुआ है, अब वो 2022 के प्री में लग जाएं, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 30 से 45 दिन में इन लोग एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, है ना। मैक्सिमम मान लो 45 to 60 days रहेगा, ज्यादा नहीं देंगे आपको, है ना। मान के चलिए दिसंबर में भी अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग या फरवरी लास्ट में आपका प्री हो सकता है 2022 का। तो काफी कम समय है और कट ऑफ आप देख ही रहे हैं कितना हाई जा रहा है, तो उस हिसाब से अभी से तैयारी पे लग जाइए और जल्दी से जाइए और तैयारी में लग जाइए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो 200 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज भी आ रही है आपके पीएससी प्री को लेके, मेंस को लेके, और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आ रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।